आइए सुनते हैं आज की कहानी कड़वा तजुर्बा। गांव का सुरजा नाई गोनू का घनिष्ठ मित्र था। दोनों सुख दुख के साथी रहे थे, लेकिन एक बार उनमें ऐसा मनमुटाव हुआ कि सुरजा ने गोनू से बोलना ही बंद कर दिया। हुआ ये कि एक दिन सुरजा गोनू के पास आया और उनसे बोला, गोनू झा, आजकल तुम्हारी चतुराई के बहुत से किस्से प्रचलित हो गए हैं। सभी लोग तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानने लगे हैं। तुम कैसे किसी दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त, मूर्ख को विद्वान, साधु को ठग और बेईमान को ईमानदार सिद्ध कर देते हो? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। गोनू सहज भाव से बोले, मुझे आदमी को पहचान लेने की कला आती है। मैं किसी को भी पहली नजर में ही पहचान लेता हूं कि ये आदमी कैसा है, अच्छा है या बुरा। तब फिर मैं उसी के अनुसार काम करता हूं, यानी भले के साथ भला और बुरे के साथ बुरा। अगर कोई परिस्थितिवश बुरा व्यक्ति बन जाता है, झूठ अथवा बेईमानी जैसी कुप्रवृत्तियां उसके अंदर पैदा हो जाती हैं, तो मैं उसे सुधरने का मौका देता हूं। लेकिन यदि कोई मेरे प्रयास के बावजूद भी नहीं सुधरना चाहता, तब मैं उसकी पोल खोलकर ही दम लेता हूं। अच्छा तो गोनू, मेरे बारे में अपनी राय बताओ, मैं कैसा आदमी हूं? सुरजा ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, गोनू बोले, क्योंकि तुम तो मेरे घनिष्ठ मित्र हो, फिर भी कुछ तो बताओ। सुरजा ने इसरार किया। देखो मित्र, बात को यहीं रहने दो, मुझे संदेह है कि सच्ची बात सुनकर हमारी दोस्ती में दरार न पड़ जाए। गोनू ने बात टालनी चाही। दोस्ती में दरार कैसे पड़ेगी, हम दोनों इतने पुराने दोस्त हैं, बचपन के लंगोटिया यार हैं। सुरजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। ठीक है, फिर मुझे सोचने दो, किसी दिन वक्त आने पर बता दूंगा, गोनू ने उसे टालते हुए कहा। उस दिन तो सुरजा चला गया, किंतु कुछ दिन बाद उसने फिर से बात छेड़ दी। गोनू बोले, मित्र सुरजा, तुम्हारे विषय में तो मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल मैं किसी और काम में लगा हूं जिसके लिए मुझे कुछ रकम की जरूरत है। क्या तुम थोड़े से समय के लिए मुझे मिट्टी के 1,000 सिक्के दे सकते हो? अभी 500 ही यथेष्ट होंगे, 500 बाद में दे देना। सुरजा बोला, मित्र तुमसे कोई दुराब छिपाव थोड़े ही है, इतनी रकम घर में रखी है, चलो चलकर ले लो। गोनू सुरजा के घर गए। सुरजा ने सिक्के लाकर गोनू को दे दिए। इस पर गोनू ने कहा, सुरजा दोस्त, तुम भी बस वैसे ही रहे। अरे भाई, इतनी रकम दे रहे हो तो किसी अच्छे से बटुए में रखकर तो दो। सुरजा घर से ढूंढकर एक बटुआ निकाल लाया और उसमें सिक्के डालकर बटुआ गोनू को थमा दिया। गोनू ने शेष रुपयों के लिए तकादा करना छोड़ दिया। अब वो यदा कदा जब भी किसी के सामने सुरजा से मिलते, रुपयों का जिक्र छेड़ देते। कहते, याद है ना सुरजा, तुमने मुझे 500 सिक्के देने हैं। हाँ भाई हाँ, दे दूंगा, इतना बड़ा तकादा क्यों करते हो? सुरजा भी हंसकर उत्तर दे देता। अचानक एक दिन गोनू झा ने पंचायत बुलवा ली। सभी पंच और गांव के गणमान्य लोग चौपाल पर उपस्थित हुए। पंचायत में सुरजा भी आया। गोनू ने भरी पंचायत में दुहाई दी, पंचो, आप सबको मालूम है कि सुरजा मेरा कितना घनिष्ठ मित्र है। इसने मुझसे 6 महीने पूर्व 1,000 सिक्के ये कहकर बतौर कर्ज लिए थे कि ये मेरी रकम शीघ्र ही लौटा देगा। 500 सिक्के तो उनमें से इसने मुझे लौटा दिए, किंतु बाकी के 500 देने से मुकर रहा है। गोनू की बात सुनकर सुरजा एकदम से चौंक पड़ा। अभी तक तो उसे ये भी नहीं मालूम हुआ था कि गोनू ने पंचायत किस उद्देश्य से बुलाई है, लेकिन जब स्वयं पर इल्जाम लगता देखा तो वो बुरी तरह भड़क उठा। बोला, गोनू, भरी पंचायत में ये क्या बक रहे हो? ये हमारा आपसी मामला है, इसे पंचायत में क्यों बता रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? तब फिर क्या करूं, तुम्हारी कान पर तो जो रेंगती नहीं, कितने तकादे कर चुका हूं, तुम हर बार हंसकर टाल देते हो। गांव के कई लोगों के सामने भी मैंने तुमसे तकादे किए, इसकी गवाही भी गांव वाले दे सकते हैं, गोनू ने झुंझलाते हुए कहा। गोनू की बात का समर्थन गांव के भी कुछ लोगों ने किया। बस फिर क्या था, सुरजा बिफर गया। उसने गोनू को चोर, ठग, धोखेबाज जैसे शब्दों से नवाजना शुरू कर दिया। चिल्लाकर बोला, गोनू तुम तो एक महाझूठे और दगाबाज इंसान हो, बताओ तो कब मैंने तुमसे पैसे लिए थे और कब लौटाए थे? इस पर गोनू झा ने अपनी जेब से सुरजा का दिया हुआ वही बटुआ निकाला जिसमें उसने मिट्टी के सिक्के भरकर दिए थे। गोनू ने पंचों से कहा, पंच परमेश्वर, अब आप इसी से पूछ लीजिए कि ये बटुआ इसी का है या नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि ये बटुआ मेरा ही है,
सुरजा बोला, पर इस बटुए में भरकर मैंने तुम्हें मिट्टी के सिक्के दिए थे, तुमने नहीं। गोनू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लो भाई और सुनो, क्या मेरी मति मारी गई थी या मैं मिट्टी के सिक्कों से खेला करता जो मैं इससे मिट्टी के सिक्के लेता। जिन मिट्टी के सिक्कों का सुरजा जिक्र कर रहा है उन्हें लेकर मैं क्या करता। इस पर पंचों ने गोनू की बात का समर्थन कर दिया। बोले, गोनू पंडित ठीक कहते हैं, भला ये मिट्टी के सिक्के लेकर क्या करते। इसलिए सुरजा को चाहिए कि यथाशीघ्र इनकी रकम सूद सहित वापस कर दे। पंचों का फैसला सर्वमान्य होता है। सुरजा को भी इनका फैसला मानकर गोनू को रकम लौटानी पड़ी। बदनामी और बेइज्जती हुई सो अलग। उस दिन से दोनों मित्रों में कुट्टी हो गई। सुरजा को गोनू के नाम से ही नफरत हो गई। गोनू का नाम सुनते ही उसका पारा चढ़ जाता और वो उनके प्रति अपशब्द बकने लगता। कुछ दिनों बाद गोनू ने फिर पंचायत बुलवाई और सुरजा को विशेष रूप से आने का न्योता दिया। सुरजा जाना नहीं चाहता था, किंतु बात पंचायत की थी, उसकी अवहेलना करना उचित न होता। अतः वो पंचायत में चला गया और अनमने भाव से एक ओर बैठ गया। गोनू झा ने असली और नकली सिक्कों के बीच सुरजा का बटवा रखते हुए कहा, पंच परमेश्वर, मेरे घनिष्ठ मित्र सुरजा को ये जानने की बहुत दिलचस्पी थी कि मैं सच को झूठ में और झूठ को सच में कैसे परिवर्तित कर देता हूँ। मैंने इसे समझाया भी था कि हम दोनों मित्र हैं, इसलिए मित्र ही बने रहे तो बेहतर है। रहस्य का उद्घाटन होने से हमारी मित्रता में दरार पड़ जाएगी। लेकिन मेरा मित्र सुरजा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं ये सिक्के इसे चुपचाप अकेले में भी वापस कर सकता था, किंतु ये भरी पंचायत में जलील हुआ था, इसलिए अब आप लोगों के समक्ष ही मैंने इसे रकम लौटानी मुनासिब समझी है। फिर सुरजा की पीठ पर प्यार भरी एक धौल जमाते हुए गोनू ने कहा, अब तो समझ में आ गया कि मेरी बुद्धि कितनी तेज दौड़ती है। अब आगे से कभी मुझसे अपने विषय में जानने की चेष्टा मत करना। गोनू की बात सुनकर सुरजा के मन का सारा मैल धुल गया। दोनों मित्र दिल खोल कर मिले और फिर से एक साथ हो गए।